गैलीलियो ने 1609 में दुनिया के पहले टेलीस्कोप से जुपिटर की ओर देखा। इसके बाद खगोल वैज्ञानिक ऐसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप से सिर्फ विजिबल ब्रह्मांड की ही स्टडी कर सकते थे, और ये विजिबल ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 3% ही था, जबकि बाकी की जानकारी विजिबल लाइट के बजाय एक्सरे, गामा रेज, शॉर्ट वेव या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज के रूप में थी। 1936 में रॉट रैबर नाम के अमेरिकन रेडियो इंजीनियर ने उन तरंगों को पकड़ने के लिए पहला रेडियो टेलीस्कोप बनाया, जिसके डिश एंटीना की डायमीटर अराउंड 10 मीटर जितनी थी।